देश और राष्ट्र ये दोनों शब्द पर्यायवाची नहीं है भिन्न भिन्न है मेरे विचार में कहीं खोट है तो मेरे लिए मेरा राष्ट्र मां नहीं हो सकता मुझे बीजेपी के राष्ट्रवाद से दिक्कत नहीं है अरुण पुरी जी से रिक्वेस्ट करता हूं आप एक बहुत बड़े चैनल के मालिक हैं इस प्रकार से स्ट्रीट फाइट करने के लिए ना बुलाया करें वी आर नॉट वी आर नॉट कॉक्स इन बुल्स की हम स्ट्रीट पे लड़े राष्ट्रवाद को अपने हिसाब से ये सरकार परिभाषित करती है जबरन थोपने की कोशिश करती है लोगों के ऊपर और इस विषय को लेकर विपक्षियों के निशाने पर भी आप रहते हैं संबित पात्रा के लिए राष्ट्रवाद की अवधारणा क्या है देखिए चित्रा जी पहले तो आपको नमस्कार पूरे पैनल को नमस्कार मैं देख रहा हूं विक्रम संपत जी बैठे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है राष्ट्रवाद देश हित मैं इसको पॉलिटिक्स में तो ले जाऊंगा धीरे धीरे क्योंकि पॉलिटिक्स तो अल्टीमेटली होना ही है उससे पहले थोड़ा ब्रॉड प्रस्पेक्टिव में डिस्कस करते हैं देश और राष्ट्र ये दोनों शब्द पर्यायवाची नहीं है भिन्न भिन्न है देश की बाउंड्री होती है देश की एक अर्थनीति होती है देश में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं देश का प्रधानमंत्री होता है देश की अपनी एक छवि होती है देश का एक आर्मी होता है दिस इज कंट्री देश राष्ट्र एक सोच होता है उसकी बाउंड्री नहीं होती है मैं एक उदाहरण दे रहा हूं गंगा गंगा को आप अगर देश के नजरिए से देखें तो गंगा एक नदी है उसकी धाराएं हैं उसके तट हैं वो कहीं से उद्गम होती है और कहीं समा जाती है ये गंगा अगर देश के नजर से देखी जाए तो नदी है अगर राष्ट्र की नजर से देखा जाए तो गंगा मां है गंगा एक सोच है वो जननी है वो भागीरथी है वो सिरसरी है वो गंगा है वो राष्ट्र है इसलिए राष्ट्र को बांधा नहीं जा सकता है राष्ट्र व्यापक है राष्ट्र बिंदु है किंतु वो सिंधु है राष्ट्र हिंदू है राष्ट्र मत है राष्ट्र व्योम है इसलिए राष्ट्र को लेकर दो मत कभी नहीं हो सकते हैं मेरे विचार अच्छे हैं तो मेरे लिए मेरा राष्ट्र मेरी मां है मेरे विचार में कहीं खोट है तो मेरे लिए मेरा राष्ट्र मां नहीं हो सकता राष्ट्रवाद क्या है राष्ट्र को मां मानना राष्ट्र को जननी मानना राष्ट्र ने मुझे जन्म दिया है और इस कारण से ये जीवन राष्ट्र के चरणों पे समर्पित है राष्ट्र के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं राष्ट्र के लिए मैं बलिदान दे सकता हूं यही राष्ट्रवाद है कन्हैया अब आपके पास आते हुए बीजेपी के राष्ट्रवाद से आप लोगों को इतनी दिक्कत क्यों है और इसी से जुड़ा हुआ ये सवाल भी कि लेफ्ट में आप ज़्यादा राष्ट्रवादी थे या कांग्रेस पार्टी में आकर वो राष्ट्रवाद और ज़्यादा बढ़ गया है सबसे पहले चित्रा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आज तक का धन्यवाद कि उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए बुलाया है आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत बहुत धन्यवाद मैं समझता हूँ कि आपने दो सवाल पूछे हैं एक सवाल में पहला सवाल आपने पूछा है कि आपको बीजेपी के राष्ट्रवाद से क्या दिक्कत है मुझे बीजेपी के राष्ट्रवाद से दिक्कत नहीं है मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि ये देश है ये राष्ट्र है जिसको आप नेशन कहिए कंट्री कहिए ये आपकी इच्छा है लेकिन ये जो देश है ये राष्ट्र है ये देश के संविधान से चलेगा संविधान क्या है संविधान एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को 1947 के बाद जब देश आज़ाद हुआ तो 1950 में जब संविधान लागू हुआ और आज देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती है आज खुदीराम बोस की जयंती है आप देखिए कि तमाम अलग अलग धाराओं के लोग अंग्रेज़ों से लड़ करके 200 साल की जो गुलामी थी उसको समाप्त कराया देश आज़ाद हुआ और संबित जी बोल रहे हैं संबित जी की पार्टी के एक युवा तेज तर्रार नेता ने कहा कि आज़ादी लीज पर है निन्यानवे साल की तो ये ना आजादी को मानते हैं ना देश के संविधान को मानते हैं तो कोई भी राष्ट्र जिस नियम कानून से चलेगा उसकी जो पुस्तिका है वो इस देश का संविधान है और इस देश का संविधान कहता है कि इस देश में रहने वाले तमाम जाति और धर्म के लोग इस देश के नागरिक हैं और उनके लिए कुछ कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं उनका कुछ अधिकार निर्धारित किया गया है हमारा मानना है कि राष्ट्र का नाम लेकर के ये अपना व्यक्तिगत जेब भरते हैं कैसे टीवी पे आकर के रोज राष्ट्र राष्ट्र करते हैं लेकिन अभी इनको आईटीडीसी का चेयरमैन बना दिया गया है तो इनका राष्ट्रवाद दरअसल व्यक्तिवाद है और इस व्यक्तिवाद से मुझे भाद दिक्कत भाद है हम समूहवाद में भरोसा करते हैं हम कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग में बिलीव करते हैं और इसीलिए हम कहते हैं कि यह देश सब लोगों के मिलने से बनेगा चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो ईसाई हो दलित हो ब्राह्मण हो काला हो गोरा हो महिला हो पुरुष हो इससे देश बनता है इससे राष्ट्र बनता है और इसकी परिभाषा इस देश के संविधान में है और उस संविधान से इतर कोई भी व्यक्ति चाहे वो संबित पात्र हो या इस देश के प्रधानमंत्री उनके खिलाफ हम खड़ा होंगे जेल में डाल दें लेकिन सही को सही और गलत को गलत कहेंगे संबित ये हमारी समझदारी है. संबित पहली बात है मुझे लगता है व्यक्तिगत करने की आवश्यकता नहीं है चूंकि एक स्लाइड रिमार्क है व्यक्तिगत रिमार्क है मैं कह देता हूं इस पर यस मैं डी का चेयरमैन बना हूँ और मैं बता दू मैं यहाँ पैनल में बैठे सभी लोगों का सम्मान करता हूँ सभी पढ़े लिखे हैं ये तो डॉक्टर है ना सर मैं बीच में नहीं बोल रहा था कौन सा कोहिनूर है ये इस प्रकार ऐसी टूरिज्म डिपार्टमेंट का चेयरमैन बना दिया गया है पारासिटामोल के कोरोना का थर्ड वे बात नहीं थर्ड वेव आने वाला है थर्ड वेव बोलिए ये डॉक्टर है एम है ठीक है डायरेक्टर बना दिया था ऐसा कौन सा सुनिए नहीं, नहीं, नहीं चित्रा 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 जी टीक टीक दे देथ जी, प्लीज, है, नीतिगत सवाल, हम लोग अपने एजुकेशन का सर्टिफिकेट यहाँ पर अपने व्यवहार से दे हम पढ़े लिखे हैं की नहीं हम अपने व्यवहार से यहाँ प्रदर्शित करें चिल्लाकर प्रदर्शित करने की कोई आवश्यकता नहीं है चित्रा जी मैं कन्हैया जी का भी रोज टीवी में जा करके चिल्लाते हैं हुआ हुआ करते हैं और हमको ज्ञान दे रहे हैं कि चिल्ला करके बात मैं, नहीं। एक मैं, मैं ज्ञान किसी हो को देने लगे मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ मगर हम मार्केट प्लेस में बैठ के ये मुर्गा लड़ाने वाला काम नहीं कर रहे हैं तो शांति बात से, है शांति चित्रा जी इनकी रोजी, रोजी जी। 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 है ये रोज जाकर के के मुर्गा लड़ते हैं चित्रा जी चेयरमैन प्लीज थोड़ा सा हम एक बड़े मंच पर बैठे हुए हैं पूरा देश देख रहा है एक एक करके अपनी बात करेंगे कन्हे आप आप युवा तेज तरह ठीक है टिप्पणी है आपने कहा जवाब ठीक है आपको हार्दिक यहां कलीपुरी जी बैठी हैं सुप्रियो जी बैठे हैं अरुण पुरी जी से भी बात होगी मेरी देखिए हमने एक हम एक पार्टी हैं हम यहाँ पर कोई कॉलेज यूनियन की लड़ाई लड़ने नहीं आए हैं मैं एक बहुत बड़े चैनल में बैठा हूँ सम्मान के साथ बैठा हूँ और मेरी इच्छा है कि सम्मान के साथ बात की जाए मैं ये अरुण पुरी जी से रिक्वेस्ट करता हूँ आप एक बहुत बड़े चैनल के मालिक हैं इस प्रकार से स्ट्रीट फाइट करने के लिए ना बुलाया करें वी आर नॉट वी आर नॉट कॉक्सन बुल्स की हम आके स्ट्रीट पर लड़े